साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा अर्दविंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 का TMA 2023-24 बायोलॉजी का, यानी हयातियात। ठीक है, तो ये TMA सॉल्व भी है, PDF भी मिल जाएगी और प्रैक्टिकल असाइनमेंट सब मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस नोट्स भी मिल जाएंगे। नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहला सवाल है, पौधे को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों नहीं होती? जिस तरह इंसान है, ऑक्सीजन बरादरी हीमोग्लोबिन से होती है। तो इसका जवाब है, पौधे को ऑक्सीजन की तरह, इंसानों की तरह ऑक्सीजन के कैरियर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपने ऑक्सीजन खुद बनाते हैं। इंसानों के बरक्स, जो ऑक्सीजन की नकल व हमल के होमोग्लोबिन पर इंसार करते हैं। पौधे अपने कुदरती अमल के ज़रिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। इनकी तवानाई पैदा करने का तरीका मुख्तलिफ, इसीलिए इन्हें इंसानों की तरह किसी मखसूस कैरियर की ज़रूरत नहीं होती। सवाल नंबर दो है, पानी का तहफ़ और इंतज़ाम इंसानों के ज़रिए उठाए जाने वाले अशद ज़रूरी कदम बन चुके हैं। इन तहफ़ाती इकदाम के कोई चार तरीके नहीं हैं। तो पानी के तहफ़ के लिए चार तरीके हैं। पानी, बारिश के पानी को जमा करना, बाद में इस्तेमाल के लिए बारिश को बैरल में जमा करें। दूसरा है स्मार्ट गार्डन वाटरिंग, पानी के पौधों को ड्रॉप इलेक्ट्रिशन जैसे मौसर तरीके इस्तेमाल करना, पानी को दोबारा इस्तेमाल, मुख्तलिफ मकासद के लिए पानी को ट्रेड करें और दोबारा इस्तेमाल करें। ठीक है, जागरूकता, दूसरों को पानी बचाने की अहमियत के बारे में बताएं। तीसरा सवाल है, दर्जेल में से कौन सा सर्फ पौधा फलियों में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंट्रोप्लाज्म, ज़मीनी और हुलिए वार और इम्यूनिटी। तो फराहम करदा इख्तियारात ऑप्शन में से सिर्फ पौधों के खुलियों में पाई जाने वाली खसूसियात, फलियों की दीवार है। ठीक है, हैवानी पौधों खुलियों और दोनों में मौजूद है, लेकिन खुलियों की दीवार एक मखसूस साख्ती है जो पौधे की खुलियों को लिए मुनफरद है। चौथा सवाल है, कि टीचर ने कहा कि मेंढक बैरून में होते हैं, इनका क्या मतलब है? मेंढक किस तरह इंतहाई सर्दी और इंतहाई गर्मी में भी जिंदा रहते हैं? इसका मतलब है कि मेंढक सर्द खून वाले होते हैं और इनके जिस्म का दर्जा माहौल पर मुनासिर होता है। इंतहाई सर्द मौसम में मेंढक इस तरह जिंदा रहते हैं। हाइब्रिडिंग, तवानाई के तहफ़ करके गैर फ़ाल हालत में जाना। ब्रोजिंग, मौसूलात के लिए ज़मीन खोदना। मुंजमित बर्दाश्त, कुछ मेंढक जिस्वी मुंजमित होने से ज़िंदा रह सकते हैं। रवैये की मुआफ़त, दिन के दौरान गर्म मकामात की तलाश। हिकमत अमली, मेंढकों को अपनी जवानी दर्जा हरारत के अंदरूनी तौर पर कंट्रोल करने की सलाहियत के बगैर सर्दी से निपटने में मदद करती है। पांचवा सवाल है, कि एक शख्स को खून में नॉर्मल से ज़्यादा शक्कर होती है, वह बड़ी मकदार में शक्कर से भरपूर पेशाब खारिज करती है, ये किस वजह से? वजाहत करें। कह रहे हैं कि अगर खून में शुगर बहुत ज़्यादा है और इसमें शुगर के साथ बहुत से पेशाब करता है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ नामी बीमारी है। आमतौर पर हमारे देश में ताकि अलियात की तवानाई के लिए शुगर लेने में मदद मिले, डायबिटीज़ में अमल अच्छी तरह से काम नहीं करता, लिहाजा जब डायबिटीज़ का शिकार शख्स खाता है तो उसके खून में शुगर बढ़ जाता है और इजाफी शुगर को गुर्दे पेशाब में निकाल देते हैं, जिससे शुगर बन जाती है। इससे प्यास और पेशाब में इजाफा होता है और शख्स थकावट महसूस करता है, क्योंकि उसके खुलियात को काफ़ी तवानाई नहीं मिल रही। मुनासिब देखभाल के लिए डॉक्टर से मिलना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। छठा और आखिरी सवाल है इसका, कि बेकार अशिया से कार्बन हाउस बनाना। अगर आप कार्बन हाउस असर और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्यों ना आप खुद देखें कि सूरज से कार्बन ग्रीन हाउस को कैसे गर्म करती है और पौधों को इसमें जिंदा रखने के लिए काफ़ी गर्म रही। आपको शफाफ प्लास्टिक शीट के लिए जांच के कुछ टुकड़े बैरून सोडियम कार्बोनेट, अंदरूनी पानी के और प्लास्टिक पाइप और अंदरूनी ठंडा करने के लिए दें। सभी पुर्जों को जमा करें, ग्रीन हाउस बनाएं और उसे अलग अलग दिन धूप में रखें। अखबार से फिजाई दर्जा हरारत नोट करें। तो यहाँ पे सिरप मवाद से ग्रीन हाउस बनाना एक तफरी तालीमी मनसूबा हो सकता है। यहाँ एक सादा ग्रीन हाउस बनाना ज़रूरी मवाद, शफाफ प्लास्टिक चादरें या शीशे के टुकड़े, ब्राउन सोलोडियम, गत्ते प्लास्टिक के पाइप, खिलौना पंखा, थर्मामीटर, दीगर सगरेब मवाद, मराहिल। डिज़ाइन और मनसूबाबंदी, अपने ग्रीन हाउस के साइज़ और शक्ल की मनसूबाबंदी, अपनी तामीर की रहनुमाई के लिए एक गर्दा खाना बनाएं। फ्रेम की तामीर, स्क्रीन मवाद का इस्तेमाल करते हुए अपने ग्रीन हाउस के लिए कदीम बनाएं, फ्रेम बनाएं।
फ्रेम को ढकना। फ्रेम को ढकने के साथ प्लास्टिक की चादरें या शीशे उनसे लिख करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई खुलिया सुराख ना रहे। वेंटिलेशन सिस्टम, ग्रीन हाउस के अंदर हवा के लिए एक सादा गर्दिश का निज़ाम बनाने के लिए प्लास्टिक के पाइप हवा की गर्दिश को फ़रोग देने के लिए खोलना पंखा मुंसलिक करें। सुराख में जगह गदाएं। अपने ग्रीन हाउस को ऐसी जगह पर सेट करें जहां बराह रास्त सूरज की रोशनी से हो। दर्ज हरारत की निगाहें, अखबार या ऑनलाइन दर्ज से माहौल की दर्ज हरारत रिकॉर्ड करें। नतीजा, अपने नतीज का खुलासा करें और गर्मी को बरकरार रखने में अपने ग्रीन हाउस की तासर के बारे में नतीजा अखज करें। तो ये था साथियों आपके सामने बायोलॉजी का टीए में 2023-24 का उर्दू मीडियम में। अगर आपको ये मालूमात वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।